खबर वाराणसी से है। रोहिणी क्षेत्र अंतर्गत अखरी स्थित इंदिरा हॉस्पिटल पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इंदिरा हॉस्पिटल पहुंच हजारों की संख्या में मरीजों ने अपना अपना जांच करवाकर दवा ली। हॉस्पिटल प्रबंधन के तरफ से मरीजों में फल और भोजन का वितरण भी किया गया। वहीं निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर के बाबत उपस्थित लोगों को बताते हुए डॉक्टर रोशनी पटेल, डायरेक्टर इंदिरा हॉस्पिटल कॉम्पोनेंट ब्लड बैंक, ने कहा कि दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। हमें अपने आचरण में सदैव सेवा का भाव निहित रखना चाहिए, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हुए कामयाबी के मार्ग पर अग्रसर हो सके। आपका परिचय क्या है? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ निःशुल्क का आयोजन किया गया है, जिसमें कि निःशुल्क दवा वितरण किया जाएगा और पूरे बॉडी का चेकअप किया जाएगा और साथ में भोजन की भी व्यवस्था। स्वास्थ्य जो शिविर यहाँ लगाई गई है, क्या ये प्रत्येक वर्ष के भांति ही लगता है कि ये आज नया शुरू हुआ है? नहीं नहीं, जैसा कि अगले बार 26 जनवरी को लगा हुआ जी, तो निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण में अभी तक कितने जो है पेशेंट मरीज ने पंजीकरण कराया? अभी तक तो लगभग में कितने लोग ने अभी तक? 500 के लमसम। तो इसमें किस किस विभाग के लोग बैठे हुए हैं नेत्र परीक्षण शिविर में जो है? सिंगल। अच्छा, क्या यहाँ पे आने वाले पेशेंट जो हैं, क्या ये वाराणसी जनपद से ही बिलोंग कर रहे हैं कि कहीं अन्य जनपद से भी आ रहे हैं? वाराणसी जनपद से सभी ब्लॉक के लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या चेकअप का क्या व्यवस्था है, फ्री है या फिर फ्री है? उसके बाद यहाँ पे दवा का क्या प्रोसेस है चेकअप के बाद? दवा भी निःशुल्क दिया जा रहा है।